कोरोना के चलते लॉकडाउन में शिक्षा क्षेत्र भी प्रभावित हुआ है। छात्रों की शिक्षा ना रुके, इसके लिए शिक्षा विभाग ने छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षा सुविधा शुरू की है। शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन पढ़ाई में शिक्षकों के साथ छात्रों के हो रहे संवाद की जानकारी लेने के लिए एक टीम का गठन किया है। ये टीम जिला स्तर पर गठित की गई है। एक अध्यापक को हमने 3 ब्लॉक आवंटित किए हैं और एक ब्लॉक में वो एक दिन में 5 रैंडमली किसी 5 अध्यापकों से बात करके वो भी फीडबैक प्राप्त कर रहे हैं कि वो किस प्रकार से टीचिंग लर्निंग कर रहे हैं और उसका विधिवत जो लॉग बुक है, रिकॉर्ड है, वो मेंटेन है। भविष्य में यदि कोरोना काल समाप्त होने के बाद फॉर्चुनेटली जब हम विद्यालय में जाएंगे, खुलेंगे, तो वहाँ पर हम एक प्रकार से फिजिकली वेरीफाई भी कर सकते हैं कि जो हमारा अमुक अध्यापक कह रहा है कि हमने ये किया है, क्या वास्तव में वो हुआ है कि नहीं हुआ है, उन बच्चों पर कितना प्रभाव पड़ा है और बच्चे वास्तव में लाभान्वित हुए हैं कि नहीं हुए। तो एक हमारा एक प्रयास है, देखते हैं इस प्रयास में हम कहाँ तक सफल हो पाते हैं। ऑनलाइन शिक्षा के दौरान शिक्षक और छात्रों के बीच हो रहे संवाद और पढ़ाई में आ रही दिक्कतों को जानने के लिए शिक्षा विभाग ने जनपद पौड़ी के 15 ब्लॉकों के लिए 5 शिक्षकों को चयनित किया है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति हर दिन किसी भी ब्लॉक के 5 शिक्षकों के साथ फोन पर बातचीत कर जानकारी ले सकेगा। जो ऑनलाइन जो टीचिंग चल रही है, इसके लिए मॉनिटरिंग सेल बनाया जाए जिसके अंतर्गत हम अभी यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो इसके अंतर्गत हम विभिन्न विकास क्षेत्रों में जो कार्यरत शिक्षक हैं, जो अपने घरों में, कई शिक्षक अपने घरों में, कई कार्य क्षेत्र में हैं COVID-19 ड्यूटी में, तो उनसे हम ये पूछ रहे हैं कि वो किस माध्यम से, किस तरीके से बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं, कैसे वो जो शैक्षणिक सामग्री है वो बच्चों तक पहुँचा रहे हैं। तो हमको यहाँ से जो फीडबैक मिल रहा है, बहुत पॉजिटिव फीडबैक यहाँ से मिल रहा है हमको। हालांकि जिन लोगों के समक्ष नेटवर्क की समस्या है या जिन अभिभावकों के पास स्मार्टफोन नहीं है, उनके बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, ये समस्या फिलहाल एक चुनौती बनी हुई है। पौड़ी से न्यूज़ स्टूडियो के लिए मुकेश पछेती की रिपोर्ट।